तीन स्थानों से मुख्य रूप से आए थे, रूपेश वर्मा वाला गोल जो है ये बंडा गोल चक्कर है पास पास डेढ़ सौ वहाँ से त्रिपाठी। आप सभी का अमर उजाला .com में स्वागत है। इस समय अमर उजाला की टीम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के पास खड़ी हुई है। यहाँ किसानों की महापंचायत का आयोजन 12:30 बजे के लगभग होने वाला है। किसान के कई संगठन यहाँ पे मौके पर भी मौजूद होंगे। सबसे बड़े किसान नेता कहे जाने वाले राकेश टिकैत भी यहाँ पहुंचेंगे। राकेश टिकैत किसानों की मांगों को बुलंद करेंगे और बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा सहित कम से कम 20 जिलों के किसान इस महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। महापंचायत शुरू होने से पहले पुलिस ने भी व्यवस्था कर ली है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे देख रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। जिन रूटों से किसान के नेता आएंगे उन रूटों पर विशेष निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही कई रूटों पर रास्ता बंद कर दिया गया है, बुलडोजर लगा दिए गए हैं जिससे किसानों को बुलडोजर के पीछे ही रोका जा सके और किसान आंदोलन उग्र ना हो सके। किसानों के नेताओं का कहना है कि वो आज यहाँ महापंचायत के बाद महापड़ाव भी करेंगे। 28 से 1 दिसंबर तक यमुना प्राधिकरण पे धरना करेंगे, उसके बाद 2 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। नोएडा प्राधिकरण के लिए कूच करते हुए याकूतपुर गांव से भारतीय किसान यूनियन के योद्धा तीन स्थानों से मुख्य रूप से आए थे, रूपेश वर्मा वाला जो है ये बंडा गोल चक्कर है पास पास डेढ़ सौ वहाँ से बंडा गोल चक्कर पर एडीसीपी ग्रेटर नोएडा साहब हैं, उनके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के योद्धा तीन स्थानों से मुख्य रूप से आए थे, रूपेश वर्मा वाला जो है ये बंडा गोल चक्कर है पास पास डेढ़ सौ वहाँ से बंडा गोल चक्कर पर एडीसीपी ग्रेटर नोएडा साहब हैं, उनके साथ ही अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।